शादी है, भतीजा है मेरा, पुलिस में है, बंदोबस्त अब यहाँ पर खाना खाएंगे और उसके बाद सीधे हम घर की ओर निकल जाएंगे। भाई इन पत्तों में खाएंगे भाई खाना। लो भाई तो रसगुल्ले आ गए, करते हैं इनको चट फटाफट। अपने अपने हाथ धो रहे हैं, मैं धो बैठा। ये देखो सगुन, सगुन की बुआ, ये देखो मित्रों। तो मैं पहुंच गया घर, अब बनाएंगे हम डिनर और फादर साहब पूजा करने के लिए रेडी हो गए, अपना धोती कुर्ता पहन करके। और भाई सूर्यास्त हो चुका है, भाई सूर्य जो है बिल्कुल चला गया है पहाड़ों के दूसरी तरफ और ठंड ठंडी हवा चली हुई है। और भाई व्यू तो मैंने आपको बताता ही रहता हूँ मैं गांव का, तो भाई ये कुछ इस टाइप का व्यू है सामने, धुंध वगैरह पड़ी हुई है और ये माता जी की ध्वजा भाई थोड़ी ख़राब हो रही है, अब इसको चेंज करना पड़ेगा। और बाकी भाई फुलवाड़ी, रात को इतनी बारिश हुई फूल ही पूरे ख़राब हो गए, यहाँ पर टूट गए बीच से, तेज बारिश हुई ना उसकी वजह से। मित्रों तो इवनिंग टाइम रात के खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी है मैंने, 6:30-7 हो गए तो सब्जी काट रहा हूँ। और सब्जी जो है भाई मैं बताता हूँ अभी क्या क्या सब्जी बनेगी रात को। तो भाई ये पनीर है और दो प्याज हैं, थोड़े टमाटर हैं, तो यही बनाऊँगा मैं थोड़ी सब्जी आज। ठीक है भाई काटता हूँ मैं इसको। भाई इसको मैं मोटा मोटा ही काटता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ इसको कि यदि मैं इसको मिक्सी में बारीक पेस्ट बना लूँगा। अब यदि विचार मेरा चेंज हो गया भाई, नहीं तो मैं बारीक काटना था ये, इसको मैं मिक्सी में बढ़िया करूँगा शाही पनीर टाइप का ही बना देंगे, कोई नहीं। तो ये तो हो गया भाई, तो इसको तो अब उठाते हैं इसमें प्लेट में साइड में रख देंगे। और भाई ये प्याज जो है ये कोई मार्केट का नहीं है, ये अपना है लोकल। ये लो जी, तो दोस्तों टमाटर भी काट दिए, और ये मिर्च है इसको भाई मैं ऐसे ही टमाटर के साथ ही मैं पीस दूंगा, टमाटर के साथ। हरी है थोड़ी सूख गई है बट अच्छी है, फेंकनी क्यों है, इसका अच्छा यूज करते हैं। और भाई अब बारी है इसकी पनीर काटने की, बड़ा अच्छा लगता है पनीर काटना, बड़ा मजा आता है भाई। पर भाई आजकल ना मार्केट में
पनीर कुछ अच्छा नहीं आ रहा है। हैं तो सुपर कंपनी का है बट बेकार जैसे लग रहा है, पर क्या करें, हमारे पास ऑप्शन भी कोई नहीं ना मार्केट में, दूसरा आता नहीं कोई भी। जो लोकल पनीर होता है वो भी नहीं था आज। भाई पनीर काट तो दिया बट सबसे बेकार आज का पनीर, सबसे बेकार, खटा बिल्कुल, ऐसा लगता है भाई जैसे लस्सी का बनाया, और टोटली डुप्लीकेट भाई, मजबूरी में बना रहा हूँ। ये है ये वाला सुपर। और भाई प्याज को अभी करता हूँ मैं थोड़ा सा बारीक, लो भाई मित्रों प्याज भी हो गया बारीक। भाई अब टमाटर और मिर्च की बारी है। तो दोस्तों टमाटर भी रेडी हो गया, प्याज टमाटर और पनीर। भाई पनीर भी थोड़ा सा, यह एक ही पैकेट लाया था और पता नहीं कैसी बनेगी, मैं गोभी भी थोड़ी काट लेता हूं इसमें। वैसे कॉम्बिनेशन तो कुछ और सा यह ठीक नहीं है, बट कोई नहीं, आज करता हूं कुछ जुगाड़ सब्जी का ढंग का। भाई मैं थोड़ी सी गोभी भी डाल रहा हूं पनीर में, क्योंकि पनीर है खट्टा, टमाटर भी खट्टे हैं भाई, कुछ ना कुछ खटाई को कम करने के लिए तो सब्जी बढ़ाना पड़ेगी, तो भाई डाल रहा हूँ। और बहुत ही निराश हुआ मैं सुपर, इस सुपर कंपनी के पनीर से भाई, बहुत ही निराश। पहले मैं इसका लेता था रेगुलर, बट भाई अब बहुत ही बेकार आया है। भाई तो पहले तो प्याज को भूनेंगे बढ़िया, उसके बाद टमाटर डालेंगे। भाई तो टमाटर को भूनेंगे बढ़िया, जब तक सूख करके इससे तेल ना निकले तब तक। लो भाई मित्रों तो गोभी पनीर की सब्जी रेडी हो गई।